कोरोना एक तरफ है एक तरफ नहीं है, सबसे बड़ा परेशानी यही है। क्या लगता है इधर कोरोना है उधर नहीं, बता के लिख के दे हम लोग को किस तरह से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। बंद हो सब बंद हो। चालीस आदमी के पास उन लोगों का दुकान खुल रहा है, कंटेनमेंट जोन भी है, हम लोगों का बंद है, तो कह दीजिए लोग के जहाँ छपा गया है वहाँ पे कोरोना नहीं होगा, आप लोगों में होगा। समुदाय का दुकान खुल रहा है, 41 दुकान है, आखिर उन लोगों से कोई कोरोना नहीं फैल रहा, हम लोगों से कोरोना हो रहा है। कंटेनमेंट जोन में 41 दुकानें क्यों खुल रही है? अगर कंटेनमेंट जोन है तो पूरी दुकानें खुलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। बड़का दुकानदार बहुत बर्बाद हो रहा बा का चाहता नहीं खुले। मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो रोज खाने वाले और रोज कमाने वाले हैं, तो जितना लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भूखे मरेंगे। 38 नंबर जो वार्ड है उसमें 50 दिन से लोग दुकानें बंद किए हुए हैं, प्रशासन को कोऑपरेट कर रहे हैं, रुकिए, और सभी लोग भूखे मर रहे हैं। उसमें 41 दुकान जो है वो 41 दुकान खुल रही है, वो दुकान क्यों खुल रही है? सिवान का जो व्यवसायी वर्ग है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, सभी व्यवसायी एक है। 41 जो दुकान खुल रही है उन लोगों ने परमिशन लिया है, बाकी और दुकानें परमिशन लेने जब जा रही हैं तो किसी को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ 41 दुकान को ही परमिशन नहीं खुलेगा। प्रदर्शन हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लेटर इश्यू हम करते हैं, हम प्रदर्शन नहीं करते हैं, मानवाधिकार के हम चेयरमैन हैं, हम डीएम से और एसपी से और इन लोगों से कोई परमिशन का हमारा कोई किस तरह का परमिशन। दुकान के बाद दुकान नहीं खुलेगा, उसका दुकान में माल खराब है, खुदरा के दुकानदार का माल नहीं खराब है, कहाँ से खाएगा? उसका बाल बच्चा नहीं है, वही ना खुलेगा। मान लीजिए उसका बाल बच्चा है कि नहीं है, घर कर ले जा रहा है, वहाँ से पैसा दीजिए, वहाँ से दुकान सील कर दे रहा है, हम लोग का दुकान खुल नहीं रहा है, हम लोग का सामान सब बर्बाद हो रहा है, लेबर का खाना, लेबर का पैसा देने के लिए हम लोग पैसा का मजदूर है, किस तरह का नियम है? हम लोग का सरकार का ये आदेश है कि हम लोग को दुकान खुलवाया जाए, आदेश मिला है जो अभी कंटिन्यू में है, जो नहीं कंटिन्यू में दुकान खुलवाया जाए, और नहीं तो बंद करना है तो पूरे दुकान बंद करे। ये है कि हम लोग छोटे दुकानदार हैं, खाने के लिए मोहताज हैं, प्रशासन आ रही है 10,000 रुपए दीजिए, 20,000 रुपए दीजिए तब दुकान खोलिए, हम लोग उसी को कोई सहारा नहीं दे रहा है। समस्या कोई नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार जो 41 दुकानें खुल रही हैं, खुदरे वाले दुकानदार का मांग है कि हमारी भी दुकानें खोलें, तो जाके ये लोग प्रशासन से बात करें, माननीय डीएम साहब से ये लोग बात करें कि भाई हमारे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, हमारे भी दुकान है, हमारी माले खराब हो रही है, तो इन लोगों का भी दुकान खुलना चाहिए। दोहरी मानसिकता कहाँ है? होलसेलर लोग गए थे, अपना अनुमति लिए थे, 41 आदमी का लिस्ट बनाकर दिए थे, उसमें माननीय डीएम साहब के द्वारा मनोनीत किया गया, जो रिटेल काउंटर वाले हैं वो जाए अपना आदेश निर्गत कराएं वहां से। अब ये लोग कह रहे हैं कि 25,000 रुपया हर होलसेलर डीएम साहब को दिए हैं, ये बात गलत है,
नहीं तो ये लोग कर रहे हैं तो प्रूफ करके दिखाए कि हम 25-25 हज़ार रुपए 41 जो दुकानदार ने विरोध प्रदर्शन नहीं था। उन लोगों का कहना था कि सर सामने जो दुकानें खुल रही है और हम लोगों की दुकानें क्यों बंद हो रही है, तो उन लोगों को बताया गया कि आपका कंटेनमेंट जोन में है, चूँकि वार्ड नंबर 32 की सारी दुकानें हैं। उनको जाके बताया गया कि नहीं, ये वार्ड नंबर 32 की दुकानें हैं और वार्ड नंबर 32 कंटेनमेंट जोन में है, तो जब तक डी नोटिफाइड नहीं होता तब तक वहाँ जो भी मेडिकल सेवा और कोई सरकारी कार्यालय वही केवल खुला रहेगा, और राशन की जो आपको डीलर का राशन की दुकानें होते केवल वही खुलना है, बाकी सारी दुकानें बंद रहेगी। थोक विक्रेता की दुकानें इसलिए खुली हुई है कि चूँकि सप्लाई भी बहुत आवश्यक है, इसीलिए जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश के आलोक में वहाँ 41 दुकानें को अनुमति दी गई है। वो 41 दुकानें खुलती है जो आपको थोक के माध्यम से सामानों की आपूर्ति। नहीं देखिए, भूखमरी की ऐसी कोई स्थिति नहीं, जो कि सरकार के तरफ से भी इस बात को पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि जहाँ भी इस तरह की उत्पन्न होता था, सरकार अपने राशन दुकानदारों के माध्यम से फ्री भी राशन उपलब्ध करा रही है, चाहे जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी उनका जो पहले से प्रावधान था उससे डबल राशन भी मिल रहा है। एक फ्री का राशन मिलता है कि उनको पे सिस्टम के माध्यम से जो राशन उनको मिल रहा था उसका भुगतान कर कर लेते हैं। अभी तक तो इस तरह शहर में चाहे ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी भुखमरी की कोई समस्या भी नहीं। चूँकि नगर परिषद द्वारा यह बताया गया है कि अभी पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उस मिलने के 14 दिन तक उसको रखा जाना है। 14 दिन अभी नहीं पूरा हो, जैसे ही पूरा होगा हम लोग डी नोटिफाइड करने के लिए आगे अपने भेज दें जी। अभी अगले आदेश तक बने जब तक डी नोटिफिकेशन नहीं होता। क्या अपील करना चाहेंगे? हम उन लोगों से अपील करना चाहेंगे धैर्य बनाए रखें, और आपका कंटेनमेंट जोन है तो जो भी सरकार का दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें और प्रशासन के